जय माता दी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। राठौर फैमिली ब्लॉग्स में ममता आपका स्वागत करती है। आज हम बनाएंगे आलू का फराड़ी चिवड़ा, जिसे आलू का लच्छा नमकीन भी कहते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। इसे आप व्रत या उपवास किसी में भी बना करके खा सकते हैं। ये खाने में बहुत ही क्रिस्पी होता है और बहुत ही जल्दी बन करके तैयार हो जाता है। तो आइए चलते हैं, जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करेंगे। यहाँ मैंने दो बड़े साइज के आलू लिए हैं और उनका छिलका निकाल करके उन्हें पानी के अंदर भिगो दिया है ताकि ये काले ना पड़े। और अब इसमें से एक आलू को लेकर के हम स्लाइसेस में कट करेंगे। स्लाइस हमें यहाँ ज़्यादा पतले या ज़्यादा मोटे नहीं बनाने हैं, इन्हें हमें मीडियम थिकनेस का ही कट करना है। तो आलू को हमने इस तरह से मीडियम थिकनेस का कट कर लिया है। आप इसकी जगह पर आलू को इस तरह के बड़े छेद वाले कद्दूकस से कस के भी आलू का लच्छा नमकीन बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर ये चिप्स कटर लिया है, मैं इसी से आलू का लच्छा नमकीन बना रही हूँ। तो अब एक एक या दो दो स्लाइस को लेकर के हाथ को आगे पीछे करते हुए लच्छे बनाएंगे। आप अपनी सुविधा अनुसार एक या दो स्लाइस जितने भी चाहें उतना लेकर के लच्छे बना सकते हैं। लच्छों को हम तुरंत ही पानी के अंदर डालते जाएंगे ताकि ये काले ना पड़े। और इसी तरह से हमने सभी लच्छे बना करके पानी के अंदर डाल दिए हैं। आप देख सकते हैं इनमें से कितना स्टार्च निकल रहा है, पानी हमारा एकदम ही वाइट हो गया है। तो अब हम इन्हें दो से तीन बार या पानी क्लीन होने तक अच्छी तरह से धो लेंगे। तो सभी लच्छों को हमने अच्छी तरह से धो लिया है और अब इसे हम एक कॉटन के कपड़े के ऊपर फैला देंगे। और कपड़े के दूसरे साइड को इनके ऊपर रख करके दबा दबा करके इन्हें हल्के हाथों से ड्राई कर लेंगे। इनके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, नहीं तो फ्राई करते समय ये काफ़ी तेल के अंदर उछलेंगे। और सभी लच्छों को हमने सुखा करके ड्राई कर लिया है। इधर लच्छों को फ्राई करने के लिए मीडियम फ्लेम पे तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। तेल हमारा काफ़ी गर्म है तो अब हम इसके अंदर फ्राई होने के लिए लच्छे ऐड कर देंगे। और इसे फ्राई होने देंगे, अभी हम इन्हें ज़्यादा टच नहीं करेंगे। थोड़ी देर तक इसे इसी तरह से फ्राई होने देंगे और गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे। और अब इसे हम थोड़ा सा चक्कू से हिला देंगे ताकि लच्छे आपस में चिपके नहीं। तो आप देख सकते हैं लच्छे एकदम अच्छी तरह से फ्राई हो रहे हैं, ये एक दूसरे में आपस में बिल्कुल भी नहीं चिपक रहे हैं। और आप देख रहे हैं इनके अंदर बबल्स थोड़े कम हो गए हैं। तो इन्हें हम लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। बबल्स एकदम ही कम होने लगे हैं और लच्छे हमने गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लिए हैं। अब इसे हम झारे में निकाल लेंगे और इसे बाउल के अंदर डाल देंगे। इसी तरह से हम और भी लच्छों को फ्राई कर लेंगे। तो सभी लच्छों को हमने बना करके फ्राई कर लिया है। आप देख सकते हैं ये कितने क्रिस्पी लग रहे हैं। 1/4 कप सिंगदाना लिया है तो इसे भी उसी तेल में डाल करके फ्राई कर लेंगे। सिंगदाने को फ्राई करने से इनका कच्चापन निकल जाएगा और खाने में काफ़ी क्रिस्पी लगेंगे। कुछ टुकड़े काजू और बादाम के लिए हैं तो इसे भी मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक। काजू बादाम को भी हमने फ्राई कर लिया है। 2-3 हरी मिर्च ली है कटी हुई, इसे भी फ्राई कर लेंगे। अगर आप हरी मिर्च नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं। 15-20 कड़ी पत्ते लिए हैं, इसे भी उसी तेल में फ्राई कर लेंगे। इनका काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है चिवड़ा के अंदर।
तो सभी चीज़ों को फ्राई करके हमने रेडी कर लिया है। अब इसके अंदर स्वादा अनुसार नमक डालेंगे। ये मैं सादा नमक डाल रही हूँ, आप इसकी जगह पर सेंधा नमक डाल सकते हैं। एक चम्मच काली मिर्च पाउडर डालेंगे, इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है चिवड़ा के अंदर। आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, आप लाल मिर्च नहीं खाते हैं तो इसे भी स्किप कर दें। एक चम्मच पिसी हुई शक्कर डालेंगे, एक चुटकी नींबू के फूल डालेंगे जिसे नींबू के सत भी कहते हैं, खट्टा और मीठा बैलेंस करने के लिए। अगर आप नींबू के फूल नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं, या इसकी जगह पे आधा चम्मच अमचूर पाउडर डाल सकते हैं। और अब सभी मसालों को मिक्स करेंगे। मसालों को हम लच्छों को टॉस करते हुए मिक्स करेंगे ताकि ये टूटे नहीं। तो मसालों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और अब इसे प्लेट में सर्व कर लेंगे। लच्छों को मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, आप देख सकते हैं ये कितने क्रिस्पी बने हैं। तो आलू का लच्छा नमकीन या फराड़ी चिवड़ा तैयार हो गया है। आप इसे व्रत या उपवास किसी में भी बना करके खा सकते हैं, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आप मेरी ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपका फराड़ी चिवड़ा कैसा बना। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।